नमस्कार, आप सभी का बहुत बहुत आपका स्वागत है अभिनंदन है। इलाहाबाद विश्वविद्यालय के बीए की काउंसलिंग एकदम तेज रफ्तार से चल रही है और साथ ही साथ और भी कोर्सेज की काउंसलिंग अच्छे से चल रही है, लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि पहली कट ऑफ में कितने कम बच्चे रजिस्ट्रेशन करवा रहे हैं, ये बहुत ज़्यादा एक तरीके से चिंता का विषय है। सूचना के अनुसार, सूत्रों के हवाले से खबर ये आई थी कि पहले दिन जो विद्यार्थियों को बुलाया गया था, 700 बच्चों को बीए की कट ऑफ में 622 नंबर के ऊपर बुलाया गया था, लेकिन कुल मिलाकर के 80 स्टूडेंट ने ही रजिस्ट्रेशन करवाया है। इसका मतलब यह है कि हाई कट ऑफ वाले, हाई मेरिट वाले बच्चे कहीं बाहर जाके एडमिशन ले चुके हैं। अभी कट ऑफ गिरने की बहुत ज़्यादा चांसेज हैं। यूआर कैटेगरी में 1600-1700 सीटें हैं, इसके बाद अभी ओबीसी कैटेगरी, एससी कैटेगरी, ईडब्ल्यूएस कैटेगरी, ये सारी चीज़ें हैं। 2 दिन का समय रजिस्ट्रेशन का दिया गया है, आज देखते हैं कि कितना रजिस्ट्रेशन होता है। लेकिन अभी की जो संभावना है, अभी की जो समीकरण है, उसमें तो ये मानना तय है कि कट ऑफ आपकी बहुत नीचे जाएगी। ये आपको बताना था कि पहले शुरुआती दिनों में, पहले दिन बीए के लगभग 70 विद्यार्थियों ने शाम तक अपना रजिस्ट्रेशन कंप्लीट करवाया है और अब इसका वेरिफिकेशन होगा, अब इसका फीस सबमिशन होगा। आज जो विद्यार्थी करवाएंगे उनका डाटा हम आपको कल बताएंगे, लेकिन अभी तक की यही सूचना है कि एक बहुत बड़ी संख्या में छात्र रजिस्ट्रेशन नहीं करवा रहे हैं और वो छात्र बाहर जा चुके हैं। इसका मतलब ये है कि और जो कम नंबर वाले बच्चे, उनके लिए एकदम से एडवांटेज है कि आपकी कट ऑफ नीचे जाएगी और नीचे आपकी कट ऑफ गिरेगी। ये सूचना है आपके लिए। तो ये एक बहुत बड़ा समीकरण है कि बीए के पहले दिन इतने कम विद्यार्थियों ने जो दाखिला लिया है, इससे साफ ये पता चलता है कि अभी यूआर कैटेगरी की कट ऑफ नीचे जाएगी। कैटेगरी वाली कट ऑफ तो और नीचे जाएगी, लेकिन ये डाटा है, पहले दिन 700 विद्यार्थियों को काउंसलिंग के लिए बुलाया गया था, लगभग 60-70 विद्यार्थियों ने इसमें अपना रजिस्ट्रेशन किया है। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत।